शॉप है उनके जो कस्टमर वो महाराष्ट्र से भी आते हैं हम खाने के लिए। एवरीवन, मैं फ्रेंच होता सकता मेरे ऐसे में थोड़ी दोस्त में स्वागत करता हूँ। आज हम आए अलवर के स्ट्रीट फूड में छोले कुलचे, मेरी शॉप का नाम है भगत जी छोले कुलचे। ये है नियर काशीराम के पास, ये आपको यहाँ पर काशीराम देगा। और यहाँ पे एक फेमस शॉप और है इसकी, सुपर स्टोर की, ये वाली सुपर स्टोर की शॉप है, अलवर की सबसे फेमस शॉप है फोन्स के लिए। तो अपन ट्राई करते हैं यहाँ के छोले कुलचे। तो आपको बात होता है यहाँ पे जो छोले कुलचे हैं, यहाँ पर दो टाइप के छोले कुलचे मिलते हैं, एक आटे वाले और एक मैदे वाले। जो आटे वाले के प्राइस है वो है 50 रुपीज़, विद बटर लोगे तो 60 रुपीज़। और अगर आप ये मैदा वाले लेते हो तो ये सामने देख रहे हैं, ये मैदा वाले आएंगे आपके 40 रुपीज़ के। वेटिंग लिस्ट है, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं शॉप पर, और यहाँ पे काम चल रहा है अभी सब सबके लिए। अंदर भी फुल सीटिंग पड़ी है एक करके, तो आप इससे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांडेबल शॉप है ये। और यहाँ के प्राइस भी एकदम नॉर्मल है। आज अपन यहाँ के बनवाते हैं सबसे स्पेशल छोले कुलचे। अंकल जी कौन सा बनाओगे आप हमारे लिए स्पेशल? जो मर्जी भैया, आपकी जो इच्छा करे वो बनवा दो। अच्छा, आप अपने हिसाब से कोई सा भी अच्छा बनवा दो। चलो ठीक है, बनाओ भैया के लिए कुलचे लगा दो। तो इस साइड अपने छोले कुलचे अभी भैया बनाएंगे। और ये देखिए जो यहाँ के सारे कुलचे होते हैं ना, ये हार्वेस्ट के लिए जाते हैं सारे मैदे के। ये देखिए अपने कुलचे बन रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। ये भैया आप किस में बना रहे हो, कौन से घी में बना रहे हो? अच्छा, शानदार है ये कुलचे। अपने बंचों के कुलचे पूरे, अब अपन चलते हैं। अपने कुलचे देख ले तब अपन लेते हैं छोले। छोले देखिए कितने हैं, इनके इनका स्पेशल मसाला है ये वाला। और इन्होंने अपन को क्या ही ऊपर से लाया था, पुदीने का लाया था। ऊपर से प्याज डाल रहे सारी चीजें, और ऊपर से डाल रहे कस्तूरी मेथी। 150 साल हुए, और ऊपर टॉपिंग के लिए डाल रहे टमाटर। एक टमाटर की टॉपिंग, अपने कुलचे भी आ चुके हैं इसके अंदर, सूजी के अंदर। और ये ऊपर से मिर्ची थे आज, और ये ऊपर से डालू ने पनीर। ये सारी प्लेट अंकल, ये एक प्लेट कितने की है? 40, ये 50 रुपये का जैसे। ये 50 रुपये, मतलब 50 रुपये इतना सब कुछ दे दिया। आप देख सकते हो ना, ये 50 रुपये इतना सब कुछ। अरे दो बंदों के लिए 100 रुपये हुए टोटल दोनों के। तो चलिए अपन प्लेट तो अपनी लग चुकी है, अपन अंदर लेके चलते हैं। ये अपने आ चुकी है छोले कुलचे की 50 रुपये की प्लेट। हमने दो प्लेट लिए, हम दो बंदे हैं। इन्होंने वैसे तो 40 रुपये की है, इन्होंने 10 रुपये इस ग्लास के लिए। ये इनका है बूंदी का रायता, भर के दिया बूंदी का रायता भी अगर आपको मैं दिखाऊँ। और ये इनके मिर्ची, ये मिर्ची पूरी। और आपको मैं दिखाऊँ तो ये छोले है जो इन्होंने फुल्ली ओवरलोड कर रखे है, जिसके अंदर अदरक भी डाल रखे, पनीर भी डाल रखा है, प्याज नींबू टमाटर सब डाल रखे है। और ये देखिए सलाद, ये सलाद है, सलाद भी आप और ले सकते हैं। और इनकी चटनी स्पेशल जो इन्होंने इसके अंदर भी डाली है। तो चलते हैं अपन टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी सारी चीज़ें। चलिए अपन खाते हैं अलवर के स्पेशल भगत जी के छोले कुलचे। तो अपन लेते हैं यहाँ से ये कुलचा। ये कुलचा उन्होंने हार्वेस्ट का लिया है, और देखिए बिल्कुल एकदम ये वाली बहुत अच्छे से सिका हुआ है। अगर आपको और कुलचे खाते हो तो वो 30 रुपये के आपको कितने दो कुलचे, वो भी पतले पतले, लेकिन नहीं उनके 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए बस। लेकिन आपको 10 रुपये के हिसाब से माल भी तो दे रहे यार, अब पहले ये तो देखो। तो चलते हैं अपन इसकी मिर्ची की तरफ। मिर्ची देखिए कितनी लंबी है, मैंने सब लोग छोटी छोटी मिर्ची देते हैं ऑलमोस्ट। और ये मेरी प्लेट है, मैं चखता हूँ ऊपर से। पहले इसको मिक्स विक्स करने का मन नहीं है, ऊपर से पूरा। और
बहुत शानदार। वही है, अभी एक बैठ में पता नहीं चलता ना, तो दूसरा बैठ देते। इस बार खाते अपन पनीर और कांदा दोनों चीज़ें। यार सच में अल्टीमेट है यार, ये मेरी इनर आत्मा बोली है, इनर सोल ऑफ बॉडी ने बोली है। मैंने ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो आप लोग वीडियो में बोलते हो ना यार, तो सब मैं एक्स्ट्रा बताता था। मैं वीडियो अच्छा बनाने के लिए बताता था, मैं बेकार जगह आपको रेफर भी नहीं करूँगा। इसलिए प्लीज़ यार ये वाला कमेंट देना बंद करें रियल लाइफ में भी। चलिए थोड़े स्पाइसी है इसके अंदर। एक और ऑप्शन है, अगर आप मीठा खाते हो तो आप इनको, इसके अंदर इनके पास मीठी चटनी भी है, तो आप इनको मीठी चटनी भी लेकर आ सकते हो, फिर आपको दे देगा आराम से। चलो अपन थोड़ा चटनी के साथ टेस्ट करते हैं। ये इनकी चटनी सबसे स्पाइसी है, जिनको ज़्यादा तीखा खाने का मिचुल हो ना, यहाँ पर आ जाना और खा लेते। चलो मराठी में आ जाओ, मेरी चटनी खा के मेरा खुलता जी बिल्कुल जीप जल गई, इसलिए मैंने थोड़ा रहता था इसके ऊपर से। तो ये तो हम खा लेंगे, अब आपको क्या करना है, आपका वीडियो बिल्कुल एंड तक तो आपने देख ही लिया, बोलने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है और अपने सारे परिवार में शेयर करना। और अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ये कुलचा प्लीज़ टेस्ट करके, तो सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।